आज हम मौजूद हैं फर्रुखाबाद जनपद के शहर फर्रुखाबाद के स्थित बाबूजी की गली, और यहाँ पर बाबूजी की गली में अपने मोहन भाई अग्रवाल जी जो हैं समाज सेवी, उनकी मासिक बैठक थी फर्रुखाबाद विकास मंच की। तो आज हमने यहाँ पर ये देखा है, अपनी आंखों से परखा है कि मोहन भाई एक शहद की वो मक्खी बन गए जो रानी मक्खी कहलाती है, और उनके आजू बाजू तमाम तरह के लोग, ऐसा एक जन समुदाय का कोलाहल उमड़ा है यहाँ पर बुरी तरीके से। और इसी को लेके आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इतनी किस तरीके से तुम्हारे साथ जुड़ रहे हैं और कैसे आके मतलब सेल्फियाँ ले रहे हैं तरह तरह की। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी छत्तर खबर हमारी दुनिया तक। जैसा कि आप जानते हैं, मतलब जिले में ही नहीं आसपास के जनपदों में भी बड़ी पूरी तरीके से फेमस है हमारे भाई मोहन अग्रवाल जी, जो एक समाज सेवी के नाम से प्रख्यात हैं, और हर मोहल्ला हर गली में अगर नाम लिया जाए तो मोहन भाई हमारे बहुत हर तरीके से सब लोग जानते हैं। तो आज हम इन्हीं से कुछ सवाल लेके अपने खड़े हुए हैं। मोहन भाई जी, आज जो है किस बात को लेकर मीटिंग की गई? हमारी समाज सेवी जो संस्था है फर्रुखाबाद विकास मंच जी, 2023 वर्ष की पहली मासिक बैठक थी जी। उसी मासिक बैठक में हमारे फर्रुखाबाद विकास मंच के सभी सदस्य और पदाधिकारी नगर के यहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें हम लोगों ने युवा के नगर अध्यक्ष की भी घोषणा की जी। तो मतलब ऐसा क्या, आपके अंदर ऐसा क्या है कि जो हम देख रहे हैं यहाँ पर करीब हमें एक घंटा हो गया और एक घंटा लोग आपको छोड़ने को तैयार ही नहीं, आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को उसके हित की सही बात बताएंगे तो व्यक्ति हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा जी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फौरी तौर पर लोगों को जो मार्ग बताते हैं, तो वो कभी अगर जीवन में सही नहीं होता है और खुद के फायदे का होता, तो आज लोग जुड़ सकते हैं लेकिन कल कट जाएंगे जी। लेकिन हम कभी जीवन में किसी भी युवा से मिलते हैं तो हम हमेशा ये समझ के मिलते हैं कि मेरा छोटा भाई है, ये हमारे बेटे की तरह है, हम इसको हमेशा सही दिशा दें। जब उससे सही बात करेंगे तो कभी उसका प्रेम हमसे कम नहीं होगा। हाँ, मतलब हम बराबर देख रहे थे कि युवा बराबर, मतलब भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और बाहर भी तमाम वाहनों का ऐसा माहौल बन गया कि एकदम इतनी भीड़। एक तो ये तो मामूली सी मीटिंग थी, और हमने ये भी देखा कि जो अभी वर्तमान जो चुनाव का जो मैदान था उस मैदान में भी आप थे, और हमने देखा था कि जब तक आप चुनाव मैदानी में रहे, जब तक कि मतलब आरक्षण घोषित नहीं हुआ था और आप चुनावी मैदान में रहते, हमारे फर्रुखाबाद शहर का चुनाव चौथे आसमान पे था। हर तरफ जो है मतलब इतनी सर्दी में भी एक गर्मी का माहौल था। और मैं सिर्फ एक पहले एक दो शब्द बोलूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात आगे रखूंगा कि मोहन भाई के लिए अपने कि कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांके, लगा दो आग चिलमन को, ना तुम झांको ना हम झांके। और यही आज हमने माहौल यहाँ पे देखा है कि किस तरह से लोग आए और किस तरीके से बीच में घिरे रहे हमारे भाई मोहन अग्रवाल जी। और चुनावी मैदान का जब मामला था, तो उस पीरियड में जब मोहन भाई हमारे सक्रिय थे, तो हमारे फर्रुखाबाद शहर का चुनाव चौथे आसमान पे था। उसके बाद आरक्षण की घोषणा हुई, फिर उसके बाद में चुनाव जो है जो एकदम पूरा एक्सप्रेस वे पे जो चल रहा था वो सीधा आके हाईवे पे आ गया, और उसके बाद में जैसे ये मामला बना है ट्रिपल टेस्ट वाला, चुनाव एकदम जाके वो नहीं मतलब ग्रामीण सड़क योजना उस पे चल रहा है हमारा चुनाव, और कैसा हो रहा है, और फिर एक बार रुझान बन रहा है। और हमारे भाई मोहन भाई जी हैं, इनके बहुत सारे ऐसे मुद्दे, ऐसे टॉपिक जो इन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों से बात करी, उनके वो पर्सनल मुद्दों को उठाया और किस तरीके से समाज सेवा करी। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे हम, ये ऐसा नहीं है, ये पत्रकारिता से थोड़ा अलग है कि मोहन भाई हमारे जिस किसी की भी मदद करते हैं, बहुत से लोग शेयर उसका जो है श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन मोहन भाई ने आज तक किसी बात का श्रेय नहीं लिया। कब किसकी मदद कहाँ कर दी पता ही नहीं चला आज तक। तो मोहन भाई, लोग आपके पास क्यों इतने मदद के लिए दौड़ते हैं, और क्या क्या आप जो है मतलब हम देखते हैं कि पानी के ड्रम हैं गर्मियों में, और उसके बाद सर्दियों में आप कंबल अम्बल वितरण वगैरह और होली दिवाली सभी तरह करते हैं, क्या ऐसा क्या आपके अंदर है, मतलब क्या शहद है, क्या कनेक्शन है, क्या चीज़ है ऐसी कि लोग क्यों बराबर जुड़ते जा रहे हैं? और ऐसे एक ये भी हम खास बात पूछेंगे, यदि मान लो चुनाव दोबारा फिर अपनी गति पर अगर आ गया, तो कौन से ऐसे टॉपिक रहेंगे मैन अब किसे फिर दोबारा फिर मैदान में आने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आप जहाँ पर ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं जी, तो जो हमारी राजनीतिक दिशा है जी वो अलग है, और जो हमारा सामाजिक कार्य है जी वो अलग है जी। क्योंकि राजनीति में क्या है कि अगर कभी सीट ओबीसी हो गई जी या किसी कारणवश हम चुनाव नहीं लड़ पाए, तो वो दिशा समाप्त हो जाती है उस समय
लेकिन जो समाज सेवा हमारी है वो अनवरत जारी रहने वाला हमारा काम है जब तक हमारी आखिरी सांस है और हम इस लायक हैं कि समाज के लिए कुछ कर सकें। जिस लायक भी हैं वो समाज के लिए हम अवश्य करते रहेंगे। और मेरे जीवन का एक जो फिलॉसफी है वो ये है कि व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना भी है और लोग मरने वाले शब्द को स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा सत्य है। एक सत्य है ना कि एक ऐसा सत्य जो अटल है लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मेरा ये मानना है कि आपके आने से लेके जाने के बीच में आपने अपनों के साथ साथ अपने समाज के लिए क्या किया। अगर आपको ईश्वर ने थोड़ा सा सक्षम बनाया है, जितना भी सक्षम बनाया उसके अनुपात में आपने समाज के लिए क्या किया, ये भी तो नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने दायित्व अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और इस जिम्मेदारी को हमेशा बखूबी निभाते रहेंगे बिना किसी लोभ लालच, बिना किसी स्वार्थ के। तो अभी आपने हमारे साथ थे भाई मोहन अग्रवाल जी, और इनकी जितनी भी व्याख्या करी जाए, जितनी तारीफ करी जाए वो कम है, और अगर मैं ज़्यादा तारीफ करूँ तो ये पत्रकारिता से अलग हट जाएगा। तो इसी बात को मैं अपनी आज यहीं ख़त्म करता हूँ, और आगे आप हमारा वीडियो देखना ना भूलें, पूरी कवरेज है हमारे इस प्रोग्राम की। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।